1971 के बाद पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें टर्न आउट 55% भी नहीं हो सका। टर्न आउट से मुराद है कि कितने लोग इलेक्शंस में वोट डालते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का टर्न आउट कितना था, वोट के मायने क्या हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और फिलोसोफर के मुताबिक आपके वोट का पावर क्या है, कितनी ताकत है आपके एक सिंगल वोट में। कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि वोट डालने से पहले हमें पार्टी के अंदर क्या देखना चाहिए कि किस कैंडिडेट को वोट डालने के लिए, मतलब उस कैंडिडेट में क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि हाँ यार मैं इसी को ही वोट डालूंगा। आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो कि 2008 में 44% टर्न आउट था, उससे पीछे जाएं तो 2002 में 41%, 2013 में 53%, 2018 में 50%। दोस्तों, अब वोट के मीनिंग के बारे में बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल्स को की थ्योरीज को पढ़ के, काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स की थ्योरी को पढ़ा और मैं इसका एक ही मतलब निकालूंगा कि टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपनी एक राय जाहिर करते हो। जैसा कि पाकिस्तान में तीन बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, दूसरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तीसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इन तीनों में से अगर आपको कोई भी पसंद है तो आप उसको वोट कास्ट करते हो। डिफरेंट पार्टीज, उनका एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी किसी को भी पसंद नहीं करते तो आप वोट कास्ट ही नहीं करते हो, लेकिन इसका बहुत नुकसान होता है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मिनट की बात है कि अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, जेफरसन थॉमसन नाम के एक अमेरिका के पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं सिर्फ एक वोट की पावर से। तो आप कहोगे ये तो बहुत ही पुरानी एग्जांपल थी, तो हम 2010 की एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका में नेवाडा एक जगह है, वहाँ पे इलेक्शंस हुए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के लिए। तो वहाँ पे दो कैंडिडेट्स खड़े हुए, बुच बुरास्की और कार्ल मोरे। जब इलेक्शंस हुए दोनों ने 381 वोट्स दे लिए, बराबर दोनों के 381 वोट्स थे। फिर उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रूल अप्लाई किया गया अमेरिका के अंदर, रूल है ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 3 वोट्स के जरिए बुच बुरास्की कमिश्नर अपॉइंट हो गए। तो दोस्तों, ये पावर है, इसीलिए पॉलिटिशियंस आपके घर आके आपसे वोट मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक वोट से भी वो इलेक्ट हो सकते हैं और एक ही वोट से वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि हमें क्या देखना चाहिए एक कैंडिडेट के अंदर उसको वोट डालने से पहले। दोस्तों, अगर वो इससे पहले पावर में रहा है तो आप देखें कि क्या उसने इकॉनमी के ऊपर जोर दिया। अगर वो एक बड़े पोस्ट पे, लोकल अगर एरिया का कोई MLA या फिर MPA इलेक्ट हुआ है, तो देखें क्या उसने आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ का ख्याल किया, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया, क्राइम रेट कम हुआ और सबसे बड़ी बात एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे कितना फोकस रहा और डेवलपमेंट कितनी हुई। ये कुछ माइनर चीज़ें हैं, आप इंटरनेट पे और भी रिसर्च कर सकते हैं। और ये क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, आप किसी को भी उठा के वोट नहीं दे सकते। तो दोस्तों, लास्ट टॉपिक कि आपको वोट ज़रूर डालना चाहिए। वोट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप, अभी मेरा वोट बना नहीं है लेकिन जब भी बनेगा, बेशक मेरा फेवरेट पॉलिटिकल कैंडिडेट ना हुआ, लेकिन मैं देखूंगा उसमें से कि कौन उन सब में से कुछ ना कुछ बेहतरी ला सकता है, तो मैं उसको वोट ज़रूर डालूंगा। दोस्तों, आप भी वोट ज़रूर कास्ट करें, प्लीज़ वोट ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि बाद में जब आप वोट कास्ट नहीं करते और कैंडिडेट की परफॉर्मेंस बुरी होती है तो आपसे आप बस कहते हैं कि नहीं, हमने तो वोट ही दोबारा डालना, बस हम तंग आ गए, ये हो गया, वो हो गया। ये वीडियो भी देखें, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो इस तरह के कार्टून जो होते हैं कि जी हमने वोट नहीं डालना, तो वोट ज़रूर डाला करें प्लीज़। इससे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप प्रूव होते हैं और मुल्क की डेमोक्रेसी मजबूत होती है और काफ़ी और भी चीज़ें। आखिर में वीडियो में एक स्क्रीनशॉट चलेगा, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक के हाउ टू वोट, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।